हेलो एवरीवन, दिस इज़ वाइसन संगवाल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द टाइसन टॉक शो। सो आज गाइज, आज जो हमारे गेस्ट है, ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ही इज नेम इज डॉक्टर मेडी मरा। सो हाय सर, वेलकम टू आवर टॉक शो। थैंक यू आप लोग को हमको इस टाइसन टॉक में बुलाने के लिए। फर्स्ट टाइम स्टूडियो में, थोड़ा सा नर्वस है जी। एक्चुअली गाइज, सर जो कैमरा नहीं रखे, लाइक प्रोफेशन में एक डॉक्टर है बट ही इज़ अ ट्रैवलर लवर। सो आप एक ट्रैवल लवर है, सो एंड ही हैव एक पेज है इसका फेसबुक पे, तो उसका ट्रैवल लव बोल के एक पेज है। सो वो बहुत जगह, स्पेशली अरुणाचल के हर जगह घूम चुका है वो। सो आप खुद अपना परिचय, मैं चाहता हूँ आप खुद करें थोड़ा। और हम, मेरा नाम मेडी मरा है, उसको मेरा नाम हमको दादी मरा का नाम से बोलता है। सॉरी, मेरा हिंदी और इंग्लिश थोड़ा ठीक नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ये जो हम सर्वाइवल लैंग्वेज में यूज करता है। और हम और अरुणाचल प्लस इंडिया पूरा घूम के ख़त्म कर चुका है, नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद एब्रॉड भी बहुत जगह गया हुआ है। सर आप, सर जो आपका बाल थोड़ा कुछ दिन पहले कुछ कलर था, सो यू वेयर लुकिंग सो कूल, तो आपने अभी कलर नहीं किया, सो क्यों सर? अभी रिसेंटली हम ये जो सऊदी अरब गया था, यूएई सऊदी अरबिया, तब वहाँ से आने के बाद वहाँ में इधर में ब्लीचिंग किया गया था, तो बहुत गर्मी के बाद पूरा खराब हो गया ब्लीचिंग किया वाला, तो उसी कारण से हम बाल को फिर काला कर दिया। सर वाज द ओन, हमको ऐसे लगता था ही वाज द कूलेस्ट डॉक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू। सो सर, या वी विल गो टू द क्वेश्चंस। ओके, सो आपका ट्रैवल लव, ट्रैवलिंग शुरू कब किया आपने? हम तो ट्रैवलिंग शुरू जब किया है मेरा, बहुत साल हो गया। हम जैसे स्कूल से पहले हम ट्रैवल शुरू किया है, जैसे हम ये जो तरक गए लॉन्ड्री ना, जो सामान पहुँचाते हैं वहाँ से जाके दापुर, जो से लखीमपुर, ये से बहुत जगह असम में पहले से एक्सप्लोर कर चुका है, मैंने से जा चुका है। इसके बाद ट्रैवल जो हम जो पेज शुरू किया है, जो अभी पेज बनाया है, पेज तो रिसेंटली बनाया है, जो हमारा ऐसे टाइम पास बनाया था, एक्चुअली हम प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करेगा बोल के नहीं है, धीरे धीरे बहुत लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, बहुत लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, फिर वो लोग इंक्रीज किया, वीडियो डालो, फोटो शेयर करो बोला, तब हम डाले, फिर वो लोग अच्छा लगे, इसलिए हम डालना शुरू किया। इसलिए ब्लॉगिंग का कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए बस ट्रैवलिंग करते हैं हम बस। सो बस आप एंजॉय करते हो? एंजॉय करते हैं बस। तो आपका कुछ फर्स्ट ट्रैवलिंग जो जगह था वो कौन सा था? मेरा पास ट्रैवलिंग जगह था मिसिंग इलाका में था, आसाम का। उसमें मिसिंग इलाका, जब हम इधर से गया था दापुरी जो से होकर गया था, तब उसमें हम रात को तरागढ़ी में गया था, ड्राइवरों के साथ होकर नॉर्थ लखीमपुर में रुका है। इसके बाद लीलापुरी, लीलाबारी बोलते हैं ना, लीलाबारी एयरपोर्ट के सामने में, तब वहाँ में टी गार्डन गोपुर बोल के एक जगह है, वहाँ में घुमाए एक महीना, जैसे आदिवासी जगह में रहा है। इसके बाद वहाँ पर क्रॉस करके उसी से मेरा ट्रैवलिंग शुरू किया है। सो आप बाई प्रोफेशन आप एक डॉक्टर हो जी, सो आप, आपका प्रोफेशन के बारे आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं। हम तो एक्चुअली, मैं से जाने से पहले, मैं डॉक्टर से जाने से पहले, हम एक्चुअली वेल एजुकेटेड नहीं है, बट वेल एक्सपीरियंस है। मेरा एजुकेशन का करियर जो सिर्फ 5 साल हम स्कूलिंग किया, सिर्फ 5 ईयर स्कूलिंग, लेट स्कूल ज्वाइन किया है। इसके बाद डॉक्टर तो मैं 2000 मेरा स्कूल समय में, जो हम इंग्लिश बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि विलेज स्कूल से आया, बस्ती स्कूल से आया, लेमिकिंग जैसे स्कूल, उसमें दो टीचर हुआ करता था। दो टीचर जो था सिर्फ उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था बस, मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग था, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण 2012-13 का शायद, 13 के बीच, 13 में हम जो क्या बोलता है AIPMT में और APJ प्लस इंजीनियरिंग में भी पूरा मिला था, आगे वेटनरी कॉलेज गया, इसके बाद MBBS ज्वाइन किया गया था 2013 बैच में, AIPMT तमिलनाडु में किया गया था। रिसेंटली 2019 का अप्रैल में शायद हम कंप्लीट किए, अप्रैल 8 को, 2 ईयर पहले, ये दो साल पहले। हाँ, ओके। सो आप जैसे कि आप प्रोफेशन, आप कहाँ पे ड्रीम्स पे थे जी? जी, तो उस समय पे लाइक सेम टाइम पे आप ट्रैवल करना शुरू किया, राइट? जी। सो कैसे, लाइक कैसे था आपका दोनों हैंडल करना, कैसे था उसमें? ट्रीम्स में यूजली जो हम एज ए जूनियर डॉक्टर, ट्रीम्स में जेयर बोलते हैं ना, जूनियर डॉक्टर के ट्रीम्स में ड्यूटी बहुत हेडेक है, एक दिन गैप, फिर 24 आवर्स, फिर कोविड समय, कोविड ड्यूटी, फिर तो रोटेशन बेस में 24 आवर्स ड्यूटी लग जाता था, तो वो कारण से ट्रैवलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए पर भी हम बीच बीच में दूसरा मेरा कॉलेज को बोल के हम वो लोग को जोड़ने दिया है, मीन्स मेरा ड्यूटी को करने दिया है, नेक्स्ट बार उसका ड्यूटी हम कर देगा, ऐसे हो के हम ट्रैवलिंग करा दादी, बहुत सारा जगह घुमाए, एक्सप्लोर किया गया था। क्योंकि ऐसे होते हैं कि जो डॉक्टर होता है,
तो डॉक्टर ऐसे प्रोफेशन डॉक्टर बहुत हैक्टिक होता है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल, समय निकालना, तो आप निकल पाए हो, सो इसीलिए शेयर कीजिए जैसे. हाँ, इसलिए हम वो ट्रैवलिंग करना और ये वहाँ में ट्रिम्स में जॉब करना, ऐसे तो हम वहाँ में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहा था, तो उसमें ड्यूटी हेक्टिक, बहुत हेक्टिक हो जाता है, शेड्यूल टाइट हो जाता है, इसलिए हम लास्ट ये सोच के जनवरी ये 12 में हम जो जॉब को रिजिग्नेशन कर दिया. ओके, आप खुद रिजाइन किया? खुद रिजाइन कर दिया, दे दिया. इसके बाद फिर हम पर्टिकुलर रीज़न, वही ट्रैवलिंग दोनों साइड हैंडल नहीं कर पा रहा था. फ्यूचर में भी हम जॉब वो तो करेगा, लेकिन पर ट्रैवल कंटिन्यू करेगा, वही सोच के अभी जवान है, मीन्स जवान मीन्स एज तो हो गया, लेकिन पर इस समय में नहीं करेगा तो कब करेगा. यस यस. तो आप सर जैसे कि ट्रैवल करते हो, लेट्स अभी पर्टिकुलर में आप अरुणाचल को फोकस करेगा, आप बहुत जगह घूम चुका है अरुणाचल में, राइट? तो अरुणाचल में जो जगह जगह का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमें, ऑडियंस को. अरुणाचल में जगह, उसमें अरुणाचल में उसमें ट्रैवल में जितना उतर ट्रैवल में जो होता है उसमें दो होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक तो डार्क साइड भी होता है. जो पॉजिटिव साइड में बोलेगा अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बोलेगा, इंडिया में सबसे ऐसे उसको हम बोलते हैं जैनपुर भी बोल सकता है, जैनपुर ना. अरुणाचल ऐसे एक जगह है कि हर टाइप का मीन्स कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, हर टाइप का मीन्स क्या बोलता है जो वातावरण मिलता है उसमें. आप हाँ, डाइवर्सिटी है, ह्यूज डाइवर्सिटी है. आप देखिएगा तो ये असम साइड में जाएगा तो हमारा मेनलैंड इंडिया को जोड़ता है, तो वो डाइवर्सिटी सेम. फिर उस साइड में सही जाएगा तो इस साइड में, इस साइड में जाएगा तो फिर बर्मा का और यूनान और ये क्या बोलता है, इस साइड से तो नदी बहता है नाओडिंग नदी, विजयनगर से होकर बहता है, उस साइड से जो बहता है मेटकोंग रिवर और बर्मा से लाओस से होकर बहता है, तो उसी कारण से वहाँ का टोपोग्राफी एग्जिक और आदमी लोग सेम होता है, उसका यूनियन प्रोविंस का चाइना उस साइड का. फिर नॉर्दर्न साइड में जाएगा तो हमारा चाइना, तिब्बत, तब वहाँ का आदमी का मीन्स अरुणाचल पूरा इस साइड, वेस्ट साइड में जाएगा भूटान. इसलिए अरुणाचल में आप एक्सपीरियंस बिल्कुल एकदम इमेजिंग होगा, अरुणाचल में इमेजिंग हुआ है मेरा. तो सबसे सुंदर जगह कौन सा लगा अरुणाचल? अरुणाचल में सब सुंदर जगह है, हमको लगा है अरुणाचल में सबसे सुंदर जो है ये लगा है. सुंदर तो हम सब पर्टिकुलर स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा, सब जगह सुंदर ही है, लेकिन हमको अच्छा लगा अनिनी, अच्छा लगा है अनिनी. इसके बाद वो जो विजयनगर अच्छा लगा है, गांधीग्राम विजयनगर और मेचुको अच्छा लगा है, और ये जो लगा है डोंग वैली स्पेसिफिकली डोंग वैली बहुत अच्छा लगा. इसके बाद ये नामसाई इलाका, जी जी, और नामसाई तेजु का बीचों बीच वही जगह हमको अच्छा लगा. सिंस जगह बता दिया आपने, अरुणाचल के लोग कौन से जगह में अच्छा लगा? अरुणाचल में सबसे अच्छा लोग रहता है मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम एक ट्रैवलिंग किया है अरुणाचल का, हर जगह गया है, अभी सब डिस्ट्रिक्ट खत्म हो चुका है, तब उसमें मेरा एक्सपीरियंस है अरुणाचल का सबसे अच्छा लोग है कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट में. कुरुंगकुमे आपका एकदम अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको. फॉर एग्जांपल इफ अगर आपको फ्यूचर में अगर शादी करना है तो कौन सा जगह से करना चाहोगे? हमको जो हमको मिले वही हमको ऊपर वाला जो दे देगा, हम शादी करेगा जो मेरे दिल चू जाए. जी बस कोई भी तरह पर नहीं देखेगा, इवन बाहर का होने से भी जो हमको प्यार करता है, जो दिल मिलता है, बस वो हो जाएगा. सो आप जैसे कि आप ट्रैवल करते हो अलग दूसरा जगह, दूसरा कंट्री में भी आप ट्रैवल करते हो, तो उसको क्या आप खुद स्पॉन्सर करता है, आप खुद का पैसा से घूमते हैं कि कोई स्पॉन्सर करता है? नहीं, इस अभी तक तो हमको कोई स्पॉन्सर नहीं किया. ऐसे फेसबुक पेज में तो दुनिया भर के ईमेल आते हैं, आपको स्पॉन्सर करेगा, ये करेगा, लेकिन हम नहीं लेते क्योंकि वो रिस्क फैक्टर भी होता है कि वो मेरे फेसबुक अकाउंट को हैक भी कर सकता है, ऐसे बहुत हैक हुआ है, इसलिए उसमें हम ये नहीं लेते. और अभी तक जितना ट्रैवल किए हम अपना स्पॉन्सर से ट्रैवल किया है. विच मीन्स आप जैसे कि आप दुबई का एक्सपीरियंस कैसे रहा? दुबई का एक्सपीरियंस तो दुबई बहुत एक्चुअली बहुत गर्मी जगह है, बहुत गर्मी एक्सपीरियंस तो दुबई एक उसमें एक्चुअली में देखा जाए तो उसमें ऐसे कोई नेचुरल ब्यूटी की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ बस मैग्निफिसेंट वर्ल्ड है उसमें, सब कुछ मैग्निफिसेंट है, सब कुछ बनाया वाला है, आर्टिफिशियल बनाया वाला है, इसलिए लोग उसको ही देखने जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है उसमें. okay, हम लोग इधर बेहतर है. दूसरा कंट्री और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे अलग अलग है? दूसरा कंट्री और हम लोग का यहाँ का एक्सपीरियंस, हम लोग का स्पेशली इंडिया का कॉन्टेक्स्ट तो छोड़ दो, अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा तो ये जो बाहर में जो आप कुछ भी ड्रेस करो आपने आपको कुछ भी क्विकली आप कुछ भी तेतु मारो कुछ भी आपको जज नहीं करते. आप जो भी ड्रेस पहनो, आप कुछ भी बोलो, हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, आपका लैंग्वेज खराब हो, आपको कुछ कोई क्विकली आपको जज नहीं करता है.
हमारा अरुणाचल में ये लोग ऐसे होते हैं कि क्विकली जज करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जैसे कि हम सोशल मीडिया में देखो अब कोई कमेंट करेगा अब थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक होगा, वो लोग इसके पीछे सब करेक्शन में लगा होता है, लेकिन बाहर में तो ये मीन नहीं करता है, और थोड़ा सा हम गलत बोल दिया तब उसको वो लोग करेक्शन करने में लग जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड ऐसे होता है हम प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। जैसे हम बाहर में जैसे बाहर का कंट्रीज में देखेगा तो जैसे कजाकिस्तान अरबिक और स्पेनिश लोग का जो इंग्लिश बोला बोला सुनने के लायक नहीं होता है, हम लोग से भी बात से बेहतर होता है, चाइनीज लोग का कोरियन लोग का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, तब वो लोग तो क्विकली बाहर लोग को जज नहीं करते, हम लोग एकदम जो लोग है कि माइंड सेट ऐसे बेहतर है क्विकली जज करता है, लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, लेकिन फ्यूचर में शायद बदला जाएगा जरूर। सो आप सर आप बहुत ही बहुत थोड़ा आगे बताना था लेकिन बातचीत करके पार हो गया, आप बहुत हैंडसम हो सर। थैंक यू, लेकिन अब बुरा हो गया मेरा इस उम्र में सच का भी बहुत हैंडसम हुआ। मैंने सर आपका एक वीडियो देखा था मैंने, तो उस वीडियो पे आपने कुछ बैम्बू वीडियो आप बना रहा था, सो आपने कहा कि मैंने जापान से लाया, आपको याद है ख्याल है कि नहीं, तो आप जस्ट गॉन थ्रू योर पेजेस, तो आपने उस पेज में कहा कि मैंने जापान से लाया एंड दिस इज़ द ओनली बैम्बू इन अरुणाचल प्रदेश जो कि हम ला के प्लान किया, तो आई जस्ट गॉन थ्रू द कमेंट्स, तो कमेंट्स पे लिखा गया था कि ये बम्बू तो अनिनी का है, ये जगह का है, क्या ये सच है? नहीं एक्चुअली मैं अनिनी का बम्बू अनिनी में हो सकता है, अरुणाचल में बहुत सारा ऐसे प्लांटेशन हो रहा है, ऐसे नेपाल में इजीली बिजन मिल जाता है, वो बम्बू का जो सीट तो बेसिकली और मेरा बड़ा भाई ने लाया था, बड़ा दीदी ने लाया था, वो हम नहीं लाया, लेकिन वो जो ये जो दो बेरिन का होता है जो उसको मूसा बोलता है, मूसा में मूसा बम्बू बोलते हैं, जो स्ट्रोंगेस्ट बम्बू बोलते हैं ना दुनिया में वही मूसा बम्बू है, और जीरो में जो बम्बू होते हैं वो अलग है, उसको हम लोग का लोकल भाषा से हम लोग का भाषा में क्या बोलते ताबियो बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग बम्बू है, वो मूसा बम्बू मोटा होता है स्ट्रोंग होता है, और आप जापानीज जो चाइना मूवी में देखता होगा वो जापान में बम्बू पार्क बहुत फेमस, बट सेम रहता है स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट होता है लंबा होता है और मोटा ज़्यादा होता है, और वो थोड़ा ठंडा जगह में ग्रोथ होता है, गर्म जगह में ग्रोथ नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है, तो वो जगह जो सच का आपका ही था। हाँ उसमें दो बेरिन का, एक तो लाल कलर का होता है कोरियन बेरिन होता है, और ग्रीन कलर का होता है वो चाइनीज तो जापान बेरिन का होता है, दो बेरिन का आता है ऐसे बम्बू जो सिर्फ स्कूल ज्वाइन किया है हम पहले पढ़े नहीं, मेरा स्कूल में उस समय जमाना में जो 2007-08 का बात हो गया 7-08 का, उस समय में रोड नहीं था, बिल्कुल रोड नहीं पहुँचता है मेरे बस्ती में, रोड नहीं था स्कूल मेरे बस्ती जाने के, इधर से मेरा बस्ती नदी उस पार में था, तब लेमेकिंग था पॉइंट, लेमेकिंग तो एक बस्ती है वो भी 15 किलोमीटर ज़्यादा लगभग था, इसलिए हम स्कूलिंग किया ही नहीं है, हम सिर्फ ये किया है क्या बोलता है क्लास पाइप में नावड़ा इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया था, इसके बाद पाइप करके हम सर्टिफिकेट बना, हमको क्लास मैथमेटिक्स स्ट्रोंग का कारण से हमको सार लोग पाइप पास सर्टिफिकेट बना दे के पाइप पास को जो क्लास 7 पास सर्टिफिकेट बना, हम क्लास 8 में ज्वाइन किया, टोटल हम 4 इयर्स हाफ पढ़ाई किया है। आपका एज थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए आपने मजबूरी से किया? नहीं मजबूर नहीं, सार लोग बोला है कि आप मजबूरी से भी किया, हम एज का भी फैक्टर नहीं था, हमको हाँ एज भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो भी बहुत फैक्टर है, बड़ा फैक्टर था, लेकिन वो हम स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन का कारण से स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसी कारण से सालों जंपिंग करवा दिया गया था, तो आप सच में भी कैपेबल थे तो इसलिए करवा गया था, नहीं तो हम इसलिए हम अभी हिंदी नहीं पढ़ सकता है, रीडिंग नहीं आता है, और इंग्लिश में हम लोग का जो स्कूल होना था जब हम लोग अभी प्रोनाउंसिएशन के लिए हमको बोलते हैं गलत है जी जी, और ये तो मेरा एक अभी देख रही अच्छा चीज़ आइडेंटिटी है होना चाहिए, हम लोग ट्रैवल में ट्रैवल हिंदी, हाँ हम बिल्कुल ये करते हैं, अपना प्राउड फील करते हैं कि हम मेरा एग्जिक हम अपना तागेन और भी अफर साइड का तागेन का जो टोन में हम बोल सकता है, तो भी एक एक्शन है ना, हर जगह का जैसे पंजाबी के हिंदी अलग होता है, मद्रासी लोग हिंदी नहीं बोलता है, इंडिया में तो सिर्फ 20% सिर्फ 30% लोग इंडियन हिंदी बोल पाता है, तब अलग अलग जगह में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, हम एग्जिक मेनलैंड हिंदी में जो उत्तर प्रदेश दिल्ली में जैसे हिंदी बोलते हैं हम ऐसे बोलना जरूरी नहीं है, बस कम्युनिकेशन, इसलिए हम वो जो जिस समय में बात पर वापस आते हैं, जिस समय में हम लैंग्वेज जो अच्छा से सीखना था जो क्लास ये बेसिक एजुकेशन लेके केजी से लेके ये नर्सरी लेवल से लेकर अब क्लास 8 तक तो हम अच्छा से लैंग्वेज या सबसे प्रोनाउंसिएशन करेक्शन करना रीडिंग करना इसमें सिखाता है, तो वो चीज़ तो हम पढ़ाई नहीं है, हम क्लास 8 क्लास 5 में ज्वाइन किया नावड़ा इंटरव्यू के लिए, तब उसमें तो नहीं मिला है इंग्लिश समझ नहीं आया, इसके बाद हम सोचे कि अभी आज से पढ़ाई शुरू करेगा, सर्टिफिकेट तो बना दिया हमको सर ने, हम बोले तो या तुम वो मैथमेटिक बोर्ड स्ट्रॉन्ग है तुम एक दिन विद्वान बनेगा, मीन्स बिहार का सर था एल पी सिंह बोल के सर था लालित प्रसाद सिंह बोल के, तब वो हमको सर्टिफिकेट बना दिया, तब हम दापुर जो टाउन मिडल में ज्वाइन किया है,
जो स्कूल में ज्वाइन किया है तो क्लास 8 में ज्वाइन किया है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हम बस्ती से आए तो हिंदी अच्छे से नहीं आता है, कम्युनिकेशन बोर्ड गैप रह गया। मीन्स तो बेसिकली आप एक गवर्नमेंट प्रोडक्ट हैं, गवर्नमेंट टाउन मिडिल स्कूल में। सो यस, इट्स अ वेरी गुड एक एग्जांपल है, लाइक गवर्नमेंट से होके भी हम एक डॉक्टर लाइक MBBS करना, वो भी एक एग्जांपल है। लाइक वो लोग कहते हैं कि मानते हैं मेंटेलिटी है अच्छा कॉलेज अच्छा स्कूल, लाइक प्राइवेट स्कूल में पढ़ के ही लाइक लोग इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में लाइक जो 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 रूड होता है मीन अच्छा से नहीं होता है, वो भी एक गलत है, आपने प्रूव किया। सो गवर्नमेंट प्रोडक्ट होके आपने MBBS, हाँ गवर्नमेंट प्रोडक्ट प्लस हम लेट स्कूल ज्वाइन किया है, स्कूल लेट स्कूल ज्वाइन किया इसलिए कोई किया है। इसके बाद वो जो टाउन मिडिल स्कूल में करने के बाद ख़त्म होने के बाद 8 पास के बाद 0 हायर सेकेंडरी, इसके बाद ईटानगर हायर सेकेंडरी, ऐसे होकर मेरा 4 साल तो पढ़ाई में गया है। उसमें फिर 10th के बाद हम फिर ये किया है तो साइंस में चला गया, तो और मेरा लैंग्वेज सीखने का और मैं अपॉर्चुनिटी चला गया साइंस में, पढ़ाई तो पूरा रहा करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। फिर उससे पास होके जैसे ही निकला है तो हमको पर्स हम वेटनरी कॉलेज में था, आइजोल में था, इसके बाद अगरतला कॉलेज में उसको चेंज किया, फिर तमिलनाडु गया तो फिर हिंदी बोलने वाला नहीं, तमिल या वहाँ के इंग्लिश, फिर साउथ इंडियन इंग्लिश तो थोड़ा अलग होता है, अलग होता है, तब वो होने का फिर हिंदी सीखने का मौका अपॉर्चुनिटी पूरा किया। आपको जब मैंने आपका जो पेज देखा था, आई थॉट कि आप पहले आप बाल कलर्ड किए मीन कलर्ड करके था, आई थॉट आप दूसरा कंट्री का है। ऑनेस्टली आपका जब पेज आई आप मैंने भी देखा 2021 में, तो मैंने सोचा कि आप दूसरा कंट्री के हो, तो लास्ट में पता चला कि आप हमारे अरुणाचल के ही हो। सो आपका ट्रैवल ब्लॉग तो मैंने पहले से फॉलो कर, आपका एक कन्वर्सेशन हुआ था एक थोड़ा सा लाइक चर्चित में आया था, तो वो चर्चित में आया था कि वो था कि आपका जब विजयनगर आप विजिट गए किया था, तो वहाँ पे था कि आप लोग आपका कुछ आपका आपने बताया कि वहाँ के लोग थोड़ा उतना वेलकमिंग नहीं थे, ऐसा कुछ थोड़ा चर्चा पे था, आपको याद है कि इसको तो हम अभी याद है। हाँ याद है, इससे पहले अभी एक पॉइंट रहे आप जो हमको आगे क्वेश्चन पूछा था, जो पॉइंट बच्चा लोग क्या एडवाइस देना चाहिए था, जो अभी जो PMT के लिए एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, इसके लिए जो पढ़ना है हार्ड वर्क 80%, आपका लकी 10% होगा, सर का टीचिंग किया वाला आपका 10% से मदद देगा, इसके बाद आपके लकी 10% और 80% आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद MBBS जाना है तो इंजीनियरिंग या MBBS जाना तो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बायोलॉजी में तो सब स्कोर कर लेगा, लेकिन केमिस्ट्री में आप कमज़ोर होगा तो आप आपको आपका ओपोनेंट वाला जैसे भी हराएगा आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होना चाहिए। बस इतना ही मेहनत करना है, 80% मेहनत, इसके बाद 10% लक और 10% जो टीचर लोग का जो पढ़ाया वाला, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, लेकिन केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना है। इसके बाद जो पॉइंट अभी जो बताया उस पर आते हैं, जो विजयनगर के बारे, विजयनगर में हम गया था मेयो से, मेयो में गया तो वहाँ में एक चकमा भाई ले गया था, चकमा यस, वो 3 माइल से हम चकमा ले गया था, चकमा ले गया था तो उस समय में रेनफॉल भी हो रहा था, हम और चकमा को ये ले गया था तो पार्स बस्ती पहुँचा था, और मैं 2 दिन तो ऐसे जंगल में सोके आया है, 3 दिन के बाद पहुँचाया उसमें 70 माइल दूर की एक बस्ती है जी, 70 माइल बस्ती में ऐसे भी दिसंबर मंथ का था, बहुत ठंड था जगह, और ऐसे भी जंगल जगह है ना, वो जगह रिस्की जगह भी है थोड़ा, लियोपार्ड ये सब बहुत सारा रिस्क जगह भी है, तब उसे पहुँचाया तो हम बस्ती वालों को पहुँचाए, पार्स बस्ती बहुत 70 माइल था, बूढ़ा बूढ़ी लोग था सिर्फ, तब वो लोग पहुँचाए तो हम वो लोग बोला कि हम आज रात के आप वहाँ सोने दो, लेकिन वो नहीं सोने नहीं देगा, अब इधर में अभी सोने नहीं देता है बोल के बोला है, लेकिन वो तो बूढ़ा बूढ़ी लोग है, तो हमने सोच के कंसिडर करके फिर दूसरा वाला चौथा वाला चांगर बना कर रखा था, ऐसे काली वाला केती में जो घर खेत में घर बना था ना केती में, तब उसमें सोने के लिए किया तो चकमा वाला बोला है इसमें सोने के लिए 20 रुपया लेता है, तब हम दे देगा बोल के उसमें से, लेकिन रात को तान से मरने वाला था, लेकिन वो सोने नहीं दिया उसमें। इसके बाद हमको चकमा वाला गाइड बोला कि इधर में कोई भी बाहर से आना मेहमान आता है जो गेस्ट आता है सोने नहीं देता है, ऐसे बोला है। तब उसके बाद हम सोच के फिर नेक्स्ट गया है 77 माइल में एक बस्ती है उसमें रेस करके, फिर उसमें भी ऐसे टाइप का सिचुएशन था, उसमें तो नहीं बोला है लेकिन अभी नहीं मिला है ऐसे बताया गया था। इसके बाद हम 5 दिन 4 दिन जाने के बाद गांधीग्राम बोल के एक, वो तो बहुत बड़ा बस्ती है, गांधीग्राम बोल के एक जगह पहुँच जाए, लिशु लोग का मेन एपिसेंटर है, लिशु ट्राइब का हमारा, लिशु भाई लोग का, उसमें पहुँचाए तो हम
पहुंचने के बाद मेरे पास गोप्रो कैमरा था, गोप्रो कैमरा लाइव रिकॉर्डिंग करके ऐसे रिकॉर्डिंग करके जा रहा है। तब उसमें हम पास घर में इंटरेक्ट पहले से हमको अवेयर हो गया कि ये जो सोने नहीं देता है बोल के, लेकिन हम सोचे हम तो दूसरा है ये चकमालों को, कि चकमालों को सोने नहीं देता होगा, हम वही सोचे। हम सोच के ऐसे के पार्स घर में पूछे, वो नहीं होगा, सोने नहीं देगा। सेकेंड घर में फिर गया है, वो भी नहीं होगा। थर्ड घर में गया तो वो तो हमको देख ही घर के अंदर चला गया, बंद कर दिया दरवाज़ा। उसके बाद फोर्थ घर में ऐसे ऐसे गया गया, लास्ट में हम बोले इधर में कोई आई बी है क्या, इंस्पेक्शन बंगलो है क्या, कोई सोने जगह आस पास के लोग बताया कि एक बताया हाँ इसमें ऊपर में एक चौकीदार रहता है। तब उसी जगह में हम चला गया जिसे पैर दर्द हो गया, हमें चार पाँच दिन पैदल मारने के बाद पूरा वो भी इसे में। तब इसे होने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद फिर आईबी में पहुँचाए तो वहाँ में भी आईबी चौकीदार नहीं है, आईबी का जो चौकीदार केयर टेकर जो नहीं है। हम लास्ट में बोले कि अरे ये आईबी केयर टेकर कहाँ चला गया, आईबी बंद है। तब तो हम अभी एक ये करेगा कंप्लेन लॉज करेगा वहाँ में, कंप्लेन करेगा बोल के हम ऐसे बोला है। तो तब वो लोग आस पास का लोग बात करके फिर जो बाकी तो किसी बात करके तब ऐसे वो आज नहीं आएगा, हमको एक औरत जो ले जाके अंति जो ले जाके फिर वो आईबी चौकीदार का घर में सोया है। लेकिन उसमें वो लोग अच्छा रिगर तो अच्छा था उसमें चौकीदार घर, लेकिन उस था लेकिन वो भी हो सकता है कि उसको वेलकम तो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आईबी का एक मजबूर भी था होगा, क्योंकि उसका आईबी का तो चौकीदार नहीं था, नहीं हम कंप्लेन करेगा बोल के ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एग्जिक तो हम नहीं बोल सकता, लेकिन वो उसमें अच्छा था उस जगह में। सो गाइस आप लोगों को पता नहीं होगा कि विजयनगर कहाँ है। विजयनगर एक्चुअली जो मियाँ टाउन है वहाँ से बहुत दूर है, उस समय शायद रास्ता भी नहीं था नहीं। जी अभी रिसेंटली अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, जस्ट सुनने में आया है। बट उस समय आपका एक्सपीरियंस बहुत लाइक सेवन डेज कितना दिन लगा आपको? सेवन डेज पैदल जाके पहुँचा आप, राइट? तो उस वो जगह कैसे था आपका? वो जगह तो विजयनगर बहुत सुंदर जगह है, और अरुणाचल में हम जितना एक्सपीरियंस है अरुणाचल में जो सुंदर लड़की और लड़का लिशु लोग है, लिशु लोग बहुत सुंदर होता है। लड़की लोग हम गांधीग्राम में पहुंचने के बाद हम पहुंचे गांधीग्राम आगे बाद देखा है पूरा औरत लोग भी सुंदर, लड़की भी सुंदर, लड़का भी सुंदर। वो लोग का मीन्स हम लोग अरुणाचल में लगता है अरुणाचल में जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो एथलेटिक ये सब के लिए वहाँ लिशु लोग बहुत पीते हैं, और स्लिम का तोल तोल वाला है, और लड़का लड़की पूरा हैंडसम, लड़की भी सुंदर लड़का भी हैंडसम। सब फर्स्ट टाइम देखा अरुणाचल में सबसे हम इसलिए सबसे सुंदर लड़की लड़का हुई है लिशु ही तरह का हमारा लिशु भाई लोग है। ओके सो आप ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि आप सिंगल हो या मिंगल हो? हम तो ये हमको बार बार ये क्वेश्चन पूछे, हम पेज में भी ये आपका फेसबुक पेज से ही मैंने देखा बहुत सारा ने आप लोग आपको कमेंट किया आपका सिंगल है कि आपका कोई दोस्त है सिंगल, सब लोग यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। लेकिन एक पास बात है तो हम सिंगल है अभी, पास बात ही सिंगल है। इसके बाद ये है कि हम एज हो गया, इस एज में कौन गर्लफ्रेंड होता है, हम तो बुरा हो गया ना। आप बहुत यंग दिखते हो, बुरा नहीं हुआ। इसके बाद वो बात है कि मेन बात है कि जो लड़की लोग जो मिलता है जो कि लड़की के साथ इतना मीन्स हमको कन्फिडेंट बिल्डअप नहीं कर पाता है या होता है, या मेरा इसमें मेरा भी कहीं ना कहीं डी मेरिट हो सकता है, या तो वो लोग मेरा कहीं पसंद नहीं आता होगा। इसलिए ये क्या बोलते हैं जो स्कूल समय में ऐसे ऐसे घटना हुआ है, हम जो एंट्रेंस एग्जाम के दे रहा था जो नेस्ले हॉस्टल में था उसमें तो और बड़ा घटना हो गया था एक लड़की के साथ में। जस शेयर कर सकेगा अब ऑडियंस को? ऑडियंस उसमें ऐसे हुआ है कि है हुआ है हमको बाबा बोल के बुलाता था नेस्ले हॉस्टल में, ये नेस्ले हॉस्टल था। बाबा क्यों? बाबा मीन्स और बोला कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिक्स ओल्ड बैच में, क्योंकि अरुणाचल में उस समय का उस पीरियड में जो भी स्कूल बोलने से हम सीबीएसई में मार्क कम आता था, लेकिन कैलकुलेशन में जितना कोचिंग सेंटर में जो लोग था कैलकुलेशन में हम सब स्ट्रॉन्गेस्ट था फिजिक्स, और अभी तो नहीं होता है आजकल तो इतना दिन गैप हो गया, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग का कारण से इसलिए हमको बाबा बोल के लोग बुलाता था वहाँ में। तब ऐसे हुआ हम बोला है कि हमको बोला है मेरा हमको एक लड़की आ गया, लड़की आया वो जो गर्ल हॉस्टल में एक लड़की है लंबी वाला एक लड़की है बोला है, वो सब बोला है अरे बाबा तुमको तो और तो आर्मी जैसे वाला है इसका दिल दिमाग जो आर्मी जैसे है तुमको ये क्या बोलता है जो है कि ये हो गया तुमको ये हो गया वो लड़की बहुत पीते है तुम्हारे लिए एकदम मैच है हमको भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया। तब उस समय दोस्त लोग का कारण दोस्त लोग का कारण से क्योंकि वो तो 2012 का बात हो गया तो उसमें ऐसे हो गया तो व्हाट्सअप तो इसके बाद ही आया था व्हाट्सअप तो नवंबर में शायद व्हाट्सअप आया था उससे व्हाट्सअप नहीं था तो फेसबुक में पेज तो उस समय नहीं था इतना पेज पहले इंटरनेट भी स्लो होता इसमें तब ऐसे हुआ है तो
हम बोलाए कि एक जीरो का लड़का दोस्त था मेरा, वो बेचता, वो जीरो का लड़का बोलाए, सब लोग हम लोग मीटिंग करना शुरू, क्या बोले कैसे करके अप्रोच करेगा बोले, तब वो बोला एक लव लेटर लिखो लिखने दो, वो लड़का इंग्लिश टॉप इंग्लिश है, अच्छा इंग्लिश लिखता है, उसको एक लेटर लिखने दो बोला है, तब लेटर लिख दिया, लेटर लिख दा लेटर लिख वहाँ में भेजने का बाद तो लेटर लेकर भेजने का बाद तो ऊपर भेज दिया, तब उस समय में तो वो प्रिंसिप लेटर लिखा था नहीं हुआ है, फिर जैसे ही सेकेंड टाइम वो लोग बोला है तो सेपा का भी लड़का दोस्त था, चंगलांग का मेरा लड़का दोस्त था, अभी MBBS रिसेंट कम्प्लीट होगा, अभी ये में है, ये मियो में है, वो भी बोला है कि अभी तब तो वो लोग मान गया, तुमको देख शर्म हो रहा है, मैं सो गया अभी तब ऐसे बोल गया, सेकेंड टाइम में एक लेटर दिया तो बस फायर हो गया पूरा फायर हो गया, उसके बाद फायर हो गया, उसके बाद अच्छे बात नहीं कर रहे पूरा फायर हो गया, उसके बाद वो क्या बोलता है जो वो मेरा कार बस में था, बस में था ना वो बस, वो जो कोचिंग का बस में वो बाद में मेरा वो लेटर और ग्रीटिंग कार्ड को पूरा ऊपर में फेंक दिया अरे तुम वो इसके बाद इस, वो एक लेटर लिख के उस जमा वो लेटर का जमाना था मैं वो मैं क्या बोलते पीछे में बेच कर रखा था अरे ये लड़का का वो मेरा लड़का दोस्त का उसका उसको उसको भेजा है लेकिन हमको नहीं भेजा वो इन डार के हमको दिखा रहा है तब देखा तो लिखा है तो अया ये लड़का का ऐसे बचती है इसका वो बोल चल ऐसे बस्ती है कि बस्ती है और इसका इंग्लिश इतना खराब है वो कैसे ऐसे इंग्लिश लिख सकता है बोल के एकदम करप्शन फ्लॉप दे दिया बट वो सच में भी आपके दोस्त ने ही लिख के दिया था लेटर को तो हम बोला था लेकिन वही लिखा था क्योंकि हम तो इंग्लिश अच्छे से लिख सकता है लेकिन इतना तक एक्यूरेट नहीं लिख पाते अच्छा मैं लिखता है लेकिन हमको इतना तक मैंने सोच लेकिन लिख नहीं सकता वो अच्छे से बेहतर लिख सकता था तो वो लिखने का इसी के कारण से इसी घटना हुआ है ऐसे भी 2012 से लेकर आज तक 2013 तक भी ऐसे थोड़ा मोड़ा घटना तो हुआ है लेकिन ऐसे बहुत सारा घटना तो हुआ है सो एनी आपका एनी प्लान फर्दर कुछ स्टडीज करने का कुछ प्लान है आपका अभी हाँ हम सोच रहे हैं अभी ये बार हम मेनली इधर ईटानगर में नहीं तो इधर नहीं होना था मेरा आने का हम एंट्रेंस एग्जाम देगा बोल के ये मे 21 को पीजी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है ऐसे पढ़ाई नहीं हम तो वहाँ में सऊदी अरबिया ओमन कतर में घूम रहा था कल परसों आया है तब वही पढ़ेगा एग्जाम देगा बोल के आया है सो आप ये जो ट्रैवल लव है उसको आप सीरियसली कर रहे हैं कि जस्ट लाइक लव करता है लाइक आप उसको करियर बनाना चाहता है कि नहीं इसमें है इसमें दो पॉइंट है एक पॉइंट है ट्रैवलर में ट्रैवलिंग तो मेरा एक पैशन हो गया yes. हम उसको करियर के प्रपोज में नहीं देखते हैं क्योंकि हम ट्रैवलिंग तो करेगा हम जॉब नहीं करेगा एक मेरा हमको करना ही है जैसे भी है हम बुरा होने तभी ट्रैवल करेगा क्योंकि ये तो हम इतना सालों से ट्रैवल करते इतना अचानक छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि जैसे जैसे ट्रैवल दूसरा लोग जहाँ घूम रहे हैं जहाँ कुछ अपडेट होता है हमको बिल्कुल जाने मन करता है क्योंकि ये तो हम नहीं छोड़ सकेगा बिल्कुल करियर तो नहीं बना सकेगा लेकिन हम ट्रैवल कभी नहीं छोड़ेगा सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ सो ये जो मैं कपड़ा पहन रहा हूँ ये जो ओवरकोट है इट इज़ डिज़ाइन बाय मिली इंदिरा दांगो एंड ये जो ब्रांड का नाम है वो इंदिरा है एंड ये जो मिली इंदिरा दांगो है इट इज़ एन ऑफिशियल डिज़ाइनर ऑफ द टाइसन टॉक शो सो सर आगे बढ़ेंगे ठीक है जो आपके जो पेरेंट्स रहे उसका जो पेरेंट्स आप कुछ शेयर करना चाहोगे पेरेंट्स के बारे में मेरे पेरेंट्स तो अभी मेरा पेरेंट्स तो और मेरा पिताजी जो वो हम स्कूल से पहले वो गुजर गया पिताजी सॉरी और मेरा मामा है बस्ती में बहुत बूढ़ी हो गया अभी हम माम को रिसेंट टाइम में ये लास्ट ईयर गोवा ले गया था ऑल इंडिया पूरा माम को भी घुमाया टूर करवाया है कुछ ब्लॉग भी साथ में पेज में भी है पूरा ऑल इंडिया टूर करवाया है माम को और नेक्स्ट बार भी प्लान कर रहा है अगर हो सकेगा तो टाइम होगा तो नागालैंड ले जाएंगे और बड़ा चार्ज है ना उसमें सुमी बाप्टिस्ट चर्च वहाँ में ले जाने का प्लानिंग है सो आप खुद मम्मी जाना चाहते हैं कि आप खुद मम्मी भी चर्च देखना चाहता है उसे तो ऑल इंडिया टूर ले गया था बूढ़ी माँ को लेकिन उसमें सबसे तकलीफ था बहुत बड़ा समस्या ऐसे हम एक छोटा बच्चा को ले जाना आसान है एक बूढ़ी माँ को टूर ले जाना बहुत मुश्किल बहुत क्योंकि वो लोग इरिटेट हो जाते हैं फ्लाइट में चढ़ने के बाद फिर वो लोग को ये करना पड़ता है बाथरूम वाशरूम जाने से इसको कूल देना ऐसे ऐसे बताना पड़ता है और बहुत कुछ है इसको फिर गर्म में कभी कभी वो लोग हम लोग जा घूमेगा तो वो लोग घूमने मन होते इरिटेबल हो जाते हैं तो वैसे ओके पर भी हम पूरा ऑल इंडिया माम को टूर करवाया है ओके सब बहुत अच्छा लगा ये जान के तो अब ऐसे डॉक्टर यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ के बारे आप कुछ शेयर करना चाहेगा
हाँ, आजकल मेंटल हेल्थ का बारे तो हम ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू आजकल का ये जनरेशन में मेंटल हेल्थ का इशू है। मेंटल हेल्थ का इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आजकल हम लोग का इधर का युवा पीढ़ी लोग जो है कि एक चीज़ है कि जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन, इसके बाद एक होता है ड्रग एब्यूजिंग, ये बहुत कॉमन चीज़ है, अरुणाचल में बहुत सारा कॉमन चीज़ है। इसी के कारण से बहुत लोग, आप देखो डिप्रेशन होगा तो क्या हो सकता है, डिप्रेशन होगा तो इसका मेंटल इनस्टेबिलिटी होगा तो वो ड्रंक करेगा, अल्कोहलिक करेगा, तब ऐसे होने से वो लोग रैपली मैंने अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ड्राइविंग करता है, राइडिंग करता है, इसी कारण से दुर्घटना, सड़क दुर्घटना भी बहुत होता है। और अनोदर से ऐसे हुई डिप्रेशन का कारण से ये के कारण से मेंटल जो क्या बोलते हैं कर पाता है, नहीं कर पाता, वो लोग जो हम लोग का यूथ लोग ड्रग, वो अपना डिप्रेशन को दूर करने के लिए ड्रग लेना शुरू करता है, और ये जो ड्रग लेना शुरू करता है, क्या क्या सब्सटेंस एब्यूज करना शुरू करता है, उसी हो जाता है। फिर वो इसका भी लाइफ बर्बाद होता है, लेकिन दूसरा का लाइफ भी उसमें इन्फ्लुएंस भर के पीयर प्रेशर के कारण से बर्बाद हो जाता है। मेन रीज़न है, इसका बेसिक रीज़न हो सकता है वेल एजुकेटेड, मीन्स वेल एजुकेटेड वाला भी कर रहा है, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट ये सब का इशू कारण से हम लोग क्या, हम लोग बढ़ते हुए संख्या बढ़ रहा है का, हम लोग का ये आबादी की संख्या तेज़ी से बढ़ रहा है आजकल का, मीन्स टॉप कॉम्पिटिशन लाइफ में, जो कॉम्पिटिशन में हार जाता है तब तो वो लोग मीन्स जॉब मिलने का जो अपॉर्चुनिटी कम हो जाता है, तो वो लोग क्या करना पड़ता है, वो लोग ऐसे करके डिप्रेशन कारण से वही दूर करने के लिए, यही कारण से मैं अभी बड़ा इशू कर रहा है। इज देयर एनी अदर प्रिवेंशन ये चीज़ के लिए स्पेशली फॉर दिस? इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको ये करेगा, सबसे पहले हम ये बताएगा अपने को फैमिली के साथ सहारा लेना चाहिए। सेकेंड बात, आप ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल करके, अब ट्रैवल करना करने से पैसा खर्चा होगा बल्कि ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि पैदल से भी ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पैदल मारते हैं लोग, तब ऐसे करके आप जितना दूसरा जगह जाएगा, अरुणाचल से अरुणाचल को ट्रैवल करना सबसे एक्सपेंसिव भी है और आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाता है। तब ऐसे होने से हम ट्रैवल करेगा, दूसरा ट्राइब के साथ इंट्रैक्शन करेगा, दूसरा सोशल इंट्रैक्शन करेगा, ऐसे होगा तो हमारा जो इसी ये ड्रग ये मेंटल हेल्थ इशू को पर हम सॉल्व कर सकता है, इसे इसी हो सकता है। मेडिकली तो एक ऑप्शन है, मेडिकल जो सॉल्व करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, लेकिन उसमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसे सोशल अवेयरनेस हम लोग का ट्रैवल करना है और सोशल इंट्रैक्शन होना है, इसके बाद ये होना है क्या बोलता है उसमें एनजीओ लोग का सपोर्ट भी लेना है, जो एनजीओ लोग जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं वैसे सपोर्ट लेना चाहिए। ओके, सो अभी ज़्यादातर हम जो यूथ से बहुत इन्फ्लुएंस है, जहाँ अभी यंगस्टर्स लोग ड्रग्स तंबाकू ये सब से, तो लाइक उन लोगों को क्या मीन्स दी मेरिट्स है वो लोग एडॉप्ट करने से, स्पेशली जो दोस्त हु आर स्टडिंग, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो लोग को देखिए, ड्रग तंबाकू ये सब करने से हमारा हेल्थ के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत सीरियस मीन्स इशू है, सिर्फ बड़ा समस्या आएगा, क्योंकि ड्रग एब्यूज करने से क्या होता है, ड्रग शेयरिंग का HIV को, जैसे कि हम एक मेडिकल प्रोफेशन है, जैसे हम जो तेतु मरा वाला देखेगा, जब हॉस्पिटल में कहीं हमको तेतु मरा वाला देखेगा, हम लोग दिमाग में सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस बी और HIV, क्योंकि वो दो दिमाग सबसे पहले उसमें आता है, उसको जो मेडिकल में आते हैं वो फीवर का है, हम सस्पेक्ट होता है HIV हो सकता है, क्योंकि ड्रग्स जो नीडल शेयर के कारण से HIV ज़्यादातर वहाँ से फैलता है, जैसे HIV जैसे खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस बहुत सारा बीमारी है, उसी से नीडल से ज़्यादातर फैलता है, क्यों अगर फैलता है, उसके बाद बाकी वो जो अगर उसको फैलता है, उसके बाद बाकी जो दूसरा जो ये फैक्टर है जो अभी हम बोला है HIV का बार बोले हेपेटाइटिस भी उसी के जरिए फैलता है। अगर HIV अगर एक बार आपको लग गया, किसी का लग, तो लाइफ बर्बाद है। HIV जो ऐसे है कि हम उसको बोल सकते हैं एक थ्रू लव दीजिए से, और HIV के बारे में सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ये आज का समाज इस तरह बहुत ज़्यादा है। यस, अब जैसे कि अभी HIV पे आ ही गए, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए HIV जो हम इसके लिए HIV का बेसिक डेफिनेशन में HIV मीन्स तो एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस बोलता है। जब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस इन्फेक्ट ऑन आवर बॉडी एक्वायरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग आवर इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम में तब करना शुरू करता है, तो बीमार निकलता है, उसको बोलते हैं एक्वायर इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम बहुत सारा होता है। वो वायरस जो क्या खुद होता है कि इट गेट्स लाइक
दूसरा से लगता है? वायरस वो खुद में खुद वायरस नहीं होता है, वो वायरस जो ट्रांसमिट एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन से होता है उसका ट्रांसमिट होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी से, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, इसके बाद ये जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इसके बाद जो होता है जो अभी ब्लड नीडल सिरिंज जो ड्रग एब्यूजर से वो लोग से होता है ज़्यादातर। इज देयर एनी प्रिवेंशन? इसका तो प्रिवेंशन तो है, अगर वो ड्रग एब्यूज ये सबको हट जाएगा, हम ड्रग एब्यूजन सबको अवॉइड करेगा, नीडल सिरिंज को अवॉइड करेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन केयरफुल करेगा, तब ऐसे होने से हम उसको आराम से अवॉइड करेगा। लेकिन उसमें ट्रांसमिशन का है ज़्यादातर 90% जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नीडल सिरिंज से होता है। और मेडिकल से जो डॉक्टर लोग अचानक से होता है या नर्सिंग हेल्थ केयर स्टाफ से कम होता है, रेयर होता है, बहुत रेयर है, होता है लेकिन रेयर है। लेकिन सेक्सुअल से 0.1% होता है। और सेक्सुअल में कॉन्टेक्ट में भी उसमें दो बात है, उसमें एक बात है उसमें जो लड़का एच आई वी है, लड़की एच आई वी नहीं है। अगर एच आई वी लड़का लड़की के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप होने से लड़की को एच आई वी लगने का संभव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 80% है, क्योंकि लड़का के शरीर में ज़्यादा एच आई वी वायरस एकदम ये होता है। लेकिन लड़की एच आई वी है, अगर लड़का उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप होने से लड़का को लगने का चांस सिर्फ 20% है, कम है क्योंकि रिटोर ट्रांसमिट होगा ना लड़का को, कहीं उसमें हो गया स्क्रैचिंग हो गया या कोई ब्लड नहीं होगा तो एच आई वी वायरस जो 0.5 सेकेंड भी हवा में जिंदा नहीं रह जाता है, मर जाता है वो जो। अगर आप एच आई वी वायरस को सोलो करेगा तो मर जाएगा, क्योंकि वो इतना जिंदा नहीं रह पाएगा। एच आई वी वालों के साथ लाइक खाना पीना से भी होता है? खाना पीना से बिल्कुल नहीं होता है एच आई वी, बिल्कुल खाना पीना से ट्रांसमिट नहीं होता है, और ये से नहीं होता है कपड़ा शेयर करने में, क्लॉथ शेयरिंग करने में कुछ कुछ भी, यूरिन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल शेयर और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है, बस इतना ही। एच आई वी हेपेटाइटिस भी एग्जैक्ट सेम। सो जैसे कि आपने बताया जब अगर लग गया, मुझे लग गया फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को लग गया, तो वो क्योर कर सकता है सकेगा कि नहीं, उसमें क्यूरेबल है कि नहीं? एच आई वी का तो क्योरेबल तो नहीं है, रिसेंटली हम सुना था वैक्सीन भी बना रहा है बोल के, लेकिन एच आई वी कोई कोई आदमी को एच आई वी भी 0.1% को एच आई वी कोई कोई को नहीं लगता है एच आई वी को, कोई एच आई वी का जो जिस उसमें बाइंडिंग होता है, हमारे शरीर में बाइंडिंग होता है, रिसिप्टर बोलते हैं, एच आई वी रिसिप्टर को कोई कोई इम्यून हो जाता है, ऐसे बहुत आदमी पाया गया उसको एच आई वी नहीं लगता है। वायरस का जहाँ में बाइंडिंग होता है वो ऑलरेडी इम्यून हो चुका है, मना वो ब्लॉक हो चुका है, इसलिए वायरस उसको काम नहीं कर सकता है। इसलिए एच आई वी का वो जो ये क्या बोलते हैं कोई कोई को नहीं होता है, लेकिन इसे तो परमानेंट एच आई वी का कोई क्योर नहीं, आपको सिर्फ ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट सिर्फ क्योर नहीं है। ओके, तो सर आपका पहले बाल छोटा था राइट? हाँ। तो अब लाइक कुछ चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ कि आप खुद लंबा रखना शुरू किया? इसमें मेरा बाल का होता है ये रिसेंटली 2020 का स्टार्टिंग में, 2019 का स्टार्टिंग में मेरा हमको एक चिकन पॉक्स बीमार हो गया, इसके कारण से पेस्ट पूरा बर्बाद हो गया, पूरा निशान हो गया, उसी कारण से हम बाल को लंबा रखना शुरू किया, बस इतना ही बात है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गिवन अभी एक दो ऑप्शन दिया जाएगा आपको, आपको चूज़ करना है वहाँ से, यू हैव टू शेव, यू हैव टू कट योर हेयर और एल्स यू हैव टू गिव 50,000, कौन सा को चूज़ करेगा? अगर बाल आपको काटने देगा आप एक ही ऑप्शन करेगा, अगर आपको बाल काटो बोलेगा तो अगर नहीं काटने से आपको पैसा देना पड़ेगा उसका, उसके बदले में कौन सा? फॉर एग्जाम्पल आपको आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, आप बाल से बाल को बहुत प्यार करता है राइट? सो आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, आपको बाल शेव करना है एंड दूसरा ऑप्शन है आपको 50,000 रुपीज़ देना है, तो कौन सा ऑप्शन को चुनेगा? हम 50,000 को चुनेगा। ओके, सो बाल शेव नहीं करवाएगा? ओके, सो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, हम लोग फाइनली एंड में आ गया। सो एनी मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहता है आपके इस टॉक शो के द्वारा? यदि ये जो हम ऑडियंस को यही बोलना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम अरुणाचल में ऐसे टॉक शो है, टाइसन टॉक शो, इसलिए ये टॉक शो में आके हमको बहुत अच्छा लगा है। हम मेरा भी फर्स्ट स्टूडियो एक्सपीरियंस है, हम कभी स्टूडियो में आए ना कभी मीडिया में ऐसे इंटरव्यू देकर नहीं देखे, सेमिनार तो बहुत किया, एक्सटेम्पर स्पीच बहुत किया, लेकिन ऐसे लाइव टॉक शो में कभी नहीं आया है, इसलिए ये टॉक हमको बहुत ये लगा है, अच्छा लगा इधर में आके, बहुत खुश हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए हो सकेगा तो ये आप लोग टाइसन टॉक में जो होता है जितना है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ये चैनल को आप जितना हो सके शेयर कीजिए और ये वीडियो को देखिए। और जाते जाते हम ये बोलेगा कि जो यूथ लोग को अच्छा से मेहनत कीजिए और
हार्ड वर्क कीजिए और क्या बोलता है ड्रग ये सब से ड्रग एब्यूज ये अल्कोहल से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि लाइफ दुनिया में एक बार आता है, दो बार लाइफ नहीं मिलता है। अगर आपको जो भी कुछ करना है, अभी मेरा उम्र मान लो अभी हम 36, 37, 38 अगर तो मेरा अभी 20 साल हम बचाए मेरे घूमने, उस इस 20 साल में हम घूमना फिरना भी है, काम भी करना है, घर भी बसाना है, सब कुछ करना है, इसलिए टाइम इज वेरी शॉर्ट। इसलिए अब जो भी करना है अभी से शुरू करना है। अब अगर अगर इस पीढ़ी में नहीं कर पाएगा तो लाइफ में कभी नहीं कर पाएगा, बुढ़ापा में नहीं हो पाएगा। इफ यू नॉट स्टार्ट नाउ यू विल नॉट स्टार्ट, कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। यस, सो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। सो ये जो एपिसोड है यहीं पे रखेंगे। सो सर, वी हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम द टाइसन टॉक शो, सो आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम गिफ्ट मिला है, आज तक हमको कोई गिफ्ट दिया नहीं फर्स्ट टाइम। और एक बात हम बताना चाहूँगा, मेरे पास कोई क्लोज दोस्त क्लोज फ्रेंड नहीं है। हम सबको जनरल मानते हैं, जनरल फ्रेंड है, लेकिन सब फ्रेंड है, लेकिन बट क्लोज फ्रेंड नहीं है आज तक। एनी रीजन, पर्टिकुलर रीजन? एनी फ्रेंड रीजन मीन्स हम सोचते हैं कि क्लोज फ्रेंड होने से एक इंडिविजुअलाइज होता है, हम एक को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। yes, को yes, ये पूरा हम सारा एक दोस्त है, सब दोस्त को हम इक्वल बिहेव करना चाहिए। ये सोच के हम मेरा इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, इसलिए मेरा फोन कॉल भी बिल्कुल आता नहीं है, बिल्कुल फोन भी हमेशा साइलेंट, रेयरली कॉल आता है। सो एनी वे गाइज, थैंक यू सो मच। ये था विद डॉक्टर मेदी मरा। सो ये एपिसोड यहीं पे रखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलेंगे कई और अच्छे एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।